आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भाजपा ने यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित उन सभी मंत्रियों को विधान परिषद भेजने का निर्णय लिया है जो कि अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश में 13 एमएलसी सीटों के लिए 20 जून को चुनाव होंगे, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अलावा योगी सरकार के 6 अन्य मंत्री भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर दयालु मिश्र, जीपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी और दानिश आजाद अंसारी भी विधान परिषद जाएंगे। तो एक बड़ी खबर इस वक्त प्रदेश की राजधानी से सामने आ रही है, जहां केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री अब एमएलसी, अब यानी कि वो विधान परिषद जाएंगे। बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम कई मंत्री शामिल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, भाजपा ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो इस लिस्ट में कौन कौन से नेताओं के नाम शुमार है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 9 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बताएं कि शिवराजपुर से चुनाव हारने वाले एक सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद के दरवाजे उन्हें सदस्य बनाया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो विधान 7 मंत्रियों समेत विधान परिषद भेजा जा रहा है। सबसे चौंकाने वाला नाम लखनऊ महानगर के अध्यक्ष मुकेश शर्मा का है। आपको बता दें कि मुकेश शर्मा केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं और साथ ही साथ लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के बेहद करीबी में से शुमार है। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी 9 जो प्रत्याशियों की घोषणा की गई है उनको शुभकामना दी है। 7 मंत्री का एमएलसी बनना तय है। वही अगर नाम की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य पहले नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह को बनाया गया है। वही आपको बताएं कि दयाशंकर मिश्र दयालु को भी विधान परिषद के वास्ते विधान परिषद का सदस्य बनाने की बात कही जा रही है और नामांकन करेंगे। वहीं जेपीएस राठौर को, नरेंद्र कश्यप को, जसवंत सैनी को, दानिश आजाद अंसारी को, वहीं श्री बनवारी लाल दोहरा को और श्री मुकेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधान परिषद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं आपको बताएं कि सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप और आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र भारत दयुल दयाशंकर मिश्र दयालु, इन सभी नामों को लाकर कहीं ना कहीं देखिए मुस्कान, तो जो इस बार के जो मंत्रिमंडल है उसमें से जिन लोगों के अगर देखें तो ऐसे कई चेहरे थे जिनके किसी से चाहे बात की जाए लोअर हाउस चाहे अपर हाउस यहाँ वो सदस्य नहीं थे, मगर देखें कि उन्हें 6 महीने के भीतर उन्हें सदस्यता लेनी थी। उसी क्रम में अब विधान परिषद की जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है इसमें से 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से भाजपा की तरफ से 9 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आज जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी भी 4 एमएलसीयों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मुस्कान, आपको बताएं कि जब विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त जो 403 विधानसभा सीटें हैं उसमें से अगर प्रमुख सीटों में से बात की जाए जहां बड़े बड़े चेहरे उतरे थे उसमें से एक था फाजिल नगर, जहां से पूर्व सेवा श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े थे मगर वो चुनाव हार गए। और वहीं विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मौर्य समाज के अच्छे खासे वोटर्स के जो संख्या उसमें बढ़ोतरी हुई जिसके लिए उन्हें इनाम के तौर पर अब विधानसभा के विधान परिषद के दरवाजे उन्हें सदस्य बनाए जा रहे थे। विभांशु, अगर देखा जाए तो एमएलसी चुनाव की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि अपर्णा यादव का भी नाम शामिल हो सकता है, तो क्या कुछ वजह निकल कर सामने आ रही है जो अपर्णा यादव को एमएलसी नहीं बनाया गया? जी मुस्कान, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे नाम चल रहे थे, तमाम नाम चल रहे थे जिसमें अपर्णा यादव का भी नाम था कि उन्हें भी विधान परिषद के दरवाजे सदन के हिस्सा बनाने का मौका मिलेगा। वहीं आपको बताएं कि
उनका नाम नहीं लिया गया, मगर वही देखे तो जब आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं विधायक लोकसभा के, तो वहां पे भी कहा गया था कि अपर्णा यादव वहां की कैंडिडेट हो सकती है। साथ ही साथ उनके कयास लगाए जा रहे थे कि विधान परिषद की जो 9 नाम होंगे उसमें अपर्णा यादव का नाम होगा, मगर इन सभी ने पूर्ण विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लिस्ट से बाहर रखा है। और हो सकता है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें उन्हें कहीं से उम्मीदवार बनाया जाए और पार्टी उनको लेकर एक लंबे राजनीतिक कैरियर के बारे में सोच रही है और कुछ अलग सोच रही है, जिसको लेकर उन्हें इसे जो लिस्ट है विधान परिषद सदस्यों की जिनको चयनित किया गया है उसमें नाम नहीं रखा गया है। तो माना यह जा रहा है कि 2024 की तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा इन सभी जो कैंडिडेट है, चाहे अपर्णा यादव की बात की जाए, चाहे पूर्व महिला विकास कल्याण मंत्री स्वाति सिंह की बात की जाए, जो महिलाएं चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर से, हो सकता है कि उन्हें लोकसभा लड़ाया जाए। जी विपांशु, अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में 2 नए नामों को भी शामिल किया गया है, तो क्या जातीय समीकरणों को देखकर ये सभी नाम तय किए गए हैं? जी बेशक, अगर देखे तो सभी जो जाति समीकरण को ध्यान में देते हुए और साथ ही साथ जो अखिलेश यादव की तरफ से जो चाल चली गई है जाति समीकरण को लेकर, चाहे भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में जो जाति समीकरण का फंडा आया है 2014 से, उसको मजबूत करने को लेकर दोनों पार्टियां जाति समीकरण को देखते हुए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, तो उसी में अगर देखे तो तमाम ऐसे नामों की गिनती की जा रही थी, मगर दोनों दलों के द्वारा जाति समीकरण को ध्यान में देते हुए प्रत्याशियों की तय की गई है। जहां बात की जाए मौर्य विवादी की, तो जहां केशव प्रसाद मौर्य को मौर्य चेहरे के तौर पे पेश किया गया, वहीं केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की तरफ से तय किया गया है। वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधान आपने देखा कि समाजवादी पार्टी को लगभग 32% वोट, जिसमें मौर्य बिरादरी की वोट जो थी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसका इनाम अखिलेश यादव ने स्वयं प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजकर दिखाया है। तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अस्वस्थ है और 2024 की लड़ाई दोनों पूरे अपने मुमकिन प्रयास को लगाकर लड़ रहे हैं। जी आगे भी विभांशु हमारे साथ बने रहेंगे। तो एक बड़ी खबर इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही थी, जहां बीजेपी ने 9 MLC उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई नाम ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं, लेकिन 2 नए नाम भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में आंतरिक कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव के बीच नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में सपा के स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल यादव को जगह नहीं दी गई। इस लिस्ट में सपा के 40 नेताओं के नाम है, लेकिन शिवपाल यादव का नाम गायब है, जिससे एक बार फिर से चाचा भतीजे की आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गई है। गौरतलब है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच दरार तब बढ़ गई थी जब उन्होंने अपने चाचा को 26 मार्च को हुई समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में नहीं बुलाया था। इसके बाद से शिवपाल के बीजेपी से दोस्ती की खबरें भी सामने आने लगी थी। साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 40 नेताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग को भेजे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, सपा ने जो स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसमें शिवपाल यादव का नाम गायब नजर आ रहा है, तो क्या कुछ वजह निकल के सामने आ रही है जो शिवपाल यादव को इस सूची में जगह नहीं दी गई? जी मुस्कान, आपको बता दें कि 2017 चुनाव के बाद से अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच जो अनबन की खबरें हैं वो अभी उस पर पूर्ण विराम लगते हुए नजर नहीं आ रहा है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की 40 नेताओं की लिस्ट भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजा गया है, जिस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के संरक्षण मुलायम सिंह यादव समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जो राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव है, चाहे बात की जाए मोहम्मद आजम खान, चाहे बात की जाए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत 40 नामों को निर्वाचन आयोग को भेजा गया है, उसमें शिवपाल यादव के नाम को दरकिनार किया गया है। तो इससे साफ नजर आता है कि जो चाचा और भतीजे के बीच का कलह है वो अब कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसमें जो दोनों के बीच कलह है उसमें दूरियां और बढ़ती जा रही है। हाल ही में आपने देखा कि जब विधानसभा चुनाव के संपन्न हुए
साथ ही साथ विधानसभा की पहली विधानसभा की कार्रवाई चली, पहला बजट का सत्र चला, उसके ठीक पहले जो समाजवादी पार्टी गठबंधन है उसके बीच बैठक हुई, साथ ही साथ पार्टी के जो तमाम 111 विधायक थे समाजवादी पार्टी के, उन साथ के सभी विधायकों के साथ बैठे थी और सरकार को घेरने की तैयारी की गई थी, उसमें भी शिवपाल यादव मौजूद नहीं है। साथ ही साथ पार्टी के किसी भी ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं हाल ही के दिनों में, उसमें शिवपाल यादव की दूरियां कहीं ना कहीं देखने को मिली है, जिससे साफ नजर आता है कि चाचा और भतीजे के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उसी क्रम में आज जो 40 नेताओं की भारतीय निर्वाचन आयोग को लिस्ट भेजा गया, उसमें उनको दरकिनार किया गया है। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से चाचा की दूरियां बढ़ती हुई दिख रही है। और हाल ही के दिनों में आपने देखा कि शिवपाल यादव भाजपा के नेताओं से एकाएक मिलने जाते हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री से मिलते हैं। उसके बाद उनकी तरफ से जब आजम खान को जेल से रिहा नहीं हुए थे तो वो आजम खान से मिलते हैं और एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं, मगर जब आजम खान बीमार पड़ते हैं और उनको देखने सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली अखिलेश यादव जाते हैं, उसके बाद माना ये जाता है कि आजम और अखिलेश के बीच घंटों के बैठ कर जो बात हुई है उससे कलह दूर होते हुए दिख रही है, मगर शिवपाल यादव कहीं ना कहीं अभी भी कलह उनके दोनों के बीच दिखते हुए नजर आ रही है। और देखने वाली बात यह होगी कि साल के अंत में निकाय चुनाव है, वही अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश यादव है उनको सामने ठीक शिवपाल यादव ने कहा था कि बसपा को हम मजबूत करेंगे, संगठन का विस्तार करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि निकाय चुनाव में शिवपाल यादव का रुख क्या होता है और जो 2024 में लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें वो किस तरफ जाते हैं, मगर अभी जो ताजा जानकारी जो है उसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल में अभी भी अनबन की जानकारी है, जिससे उन्हें जो 40 की लिस्ट रखी गई उसमें उससे दरकिनार किया गया है। जी विपांशु, अगर देखा जाए तो इस साल के अंत में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या चाचा और भतीजे के जो रिश्ते में खटास चल रही है इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा? जी बेशक, आपने देखा कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी की प्रचार बस थी उसमें घूमते हुए नजर आए, साथ ही साथ ऐसे तमाम जगहों पे खास कर बात की जाए तो जो यह जाट लैंड है, यादव लैंड है, जो बुंदेलखंड है एरिया है, उन सब जगहों पे शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए, मगर अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव खत्म होने के बाद साथ ही साथ उनकी पार्टी के जो सिंबल था वो उसको चुनाव आयोग की तरफ से जब्त कर लिया गया था, जिसके बाद वो समाजवादी पार्टी के बैनर तले साइकिल से वो चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े थे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आगामी चुनाव है उसमें वो किस तरह से उनका रुख क्या होता है, साथ ही साथ जब चुनाव के ठीक बाद वो उनके सुर बदल जाते हैं और अखिलेश के यादव के जो कलह थी उसको दूरी है, चुनाव में कहा जा रहा था कि दूरियां खत्म हो चुकी है, चुनाव के ठीक बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि 2024 और निकाय चुनाव में शिवपाल यादव का रुख क्या होता है। वही अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के अंदर जो गठबंधन है, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच की तकरार खुलकर सामने आई है, जहां 40 नेताओं के नाम जो भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए हैं बतौर स्टार प्रचारक, उनमें प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव का नाम गायब दिखा। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता को भी गिरफ्तार किया है। वही अब शहर में बुलडोजर चलने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। कानपुर में नई सड़क और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से बनी इमारतों पर बुलडोजर चल सकता है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने KDAVC को 100 से ज्यादा भवनों की सूची भेजी है। इन इमारतों के नक्शे के साथ ही वैध या अवैध होने की जानकारी भी मांगी है। तो आपको बताते चले कि कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और लगातार कानपुर में दंगाइयों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जहां बीते दिनों दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए गए थे पूरे जनपद में, तो वहीं अब बुलडोजर चलने की भी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। वहीं इस कार्रवाई को लेकर 100 से ज्यादा भवनों की सूची भी पुलिस कमिश्नर ने KDAVC को भेजी है और साथ ही इन इमारतों के नक्शे के साथ ही वैध या अवैध होने का भी प्रमाण मांगा गया है। तो कानपुर हिंसा में
दंगाई और उपद्रवियों के खिलाफ तबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। लगातार दंगाई और अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में जो दंगाइयों के पोस्टर भी रिलीज कर दिए गए हैं, साथ ही जो सोशल मीडिया पर ग्रुप्स एक्टिव नजर आ रहे थे दंगा भड़काने के नाम पर, उन ग्रुप्स की भी पहचान की जा रही है, उनके एडमिन्स की भी पहचान की जा रही है। यही वजह है कि लगातार अब कई जगह दंगाई खुद ही आकर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो अपराधी या जो दंगाई सरेंडर नहीं कर रहे हैं, पुलिस आम जनता की मदद से अब उन दंगाइयों तक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से सामने आ रही है, जहां कानपुर हिंसा में हुई पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लगातार हिंसा में पुलिस का एक्शन देखने को मिला, साथ ही अब हिंसा के बाद बुलडोजर चलने की भी खबर सामने आ रही है। वहीं अगर जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने केडीएवीसी को 100 से ज्यादा भवनों की सूची भी भेजी है, साथ ही इन इमारतों के नक्शे के साथ ही इनके वैध या अवैध होने का भी प्रमाण मांगा गया है, जिसके बाद ही जो अवैध रूप से निर्मित इमारत है उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर हिंसा में लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस हिंसा के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी नजर बनाई हुई है और लगातार वो अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे हैं कि वो दंगाइयों के खिलाफ लगातार एक्शन लें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे अगली बार कहीं भी हिंसा होने से दंगाई 10 बार डरे। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में अब तक कुल 52 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और लगातार कई केस भी इस मामले को लेकर दर्ज किए गए हैं। साथ ही जो अपराधी इस वक्त पुलिस की पहुंच से बाहर है, उन पर भी कार्रवाई करने को लेकर पुलिस ने अपनी आगे की रणनीति भी तैयार कर ली है। सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला जा रहा है, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए जो भी दंगे को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था उन ग्रुप्स की भी लगातार पुलिस द्वारा पहचान की जा रही है, साथ ही उनके जो एडमिन्स है उनकी भी खोज में लगातार पुलिस जुटी हुई है। साथ ही इस मामले को लेकर साइबर सेल जो है वो भी पूरी तरह से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 52 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार पुलिस इस मामले में अभी भी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में पबजी गेम के आदि नाबालिग बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं शव के साथ 2 दिन और 3 रात तक नाबालिग लड़का घर में रहा और छोटी बहन को धमकी भी दी, अगर पुलिस या किसी को बताया तो उसे भी मार देगा। मंगलवार को गंद फैलने लगी तो वीडियो कॉल कर पिता को घटना की सूचना दी, फिर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही नाबालिग बेटे से पूछताछ की तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। आपको बता दें कि पति सेना में सूबेदार मेजर के पद पर आसनसोल में तैनात है। साथ ही आपको बताते चले कि पीजीआई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। तो लखनऊ में एक ये सनसनीखेज वारदात इस वक्त सामने आई, जहां एक नाबालिग बच्चे ने अपने ही मां को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ मां का कसूर इतना था कि उसने अपने बच्चे को पबजी खेलने से मना किया, जिसके बाद बच्चे ने गुस्से में अपनी ही मां को लाइसेंसी रिवॉल्वर से मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान बच्चा तकरीबन 2 दिन तक अपनी मां के शव के साथ उसी घर में मौजूद रहा, साथ ही उसने अपनी बहन को भी धमकी दी कि अगर उसने इसकी जानकारी किसी को भी दी तो वो उसको भी मार देगा। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जब नाबालिग बच्चा 2 दिन तक अपनी मां के साथ उस घर में रहा, तो उस दौरान उसने डेड बॉडी की सुगंध को छुपाने के लिए भी जो रूम फ्रेशनर्स है उसका इस्तेमाल किया, ताकि जो बॉडी की दुर्गंध है वो बाहर तक ना पहुंच सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं। सागर थापा, इस मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास? घटना आपको बता दूं कि ये 3 दिन पहले की घटना है और पुलिस इसमें जितनी हद तक कार्रवाई करना चाहे पुलिस हद तक कार्रवाई कर चुकी है। जो आरोपी है, जो माता का, जो उसकी माँ का बेटा है, छात्र है जो दसवीं का, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और दूसरी जगह आपको बता दूं कि कल शाम को पीजीआई थाने में तहरीर दी गई थी, जो कि जो उसकी नानी लगती है बेटे की, बच्चे की, जिस छात्र अपनी माँ का कत्ल किया है, उसके साथ से तहरीर दी गई। उसके बाद पुलिस ने लड़के को हिरासत में लेके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी सागर, क्या कुछ वजह निकल
निकल के सामने आ रही है, जो बच्चे ने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। ये बच्चे का एक कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन इस गेम को खेलने के बाद थोड़ा सा विचलित हो चुका था, विपरीत हो परिस्थितियों में जा चुका था, क्योंकि इस पबजी गेम है काफी भयंकर या भयावह कहा जाता है, क्योंकि इसमें गोलियां बारूद से लेकर हर वो चीजें ऐसी दिखाई जाती है जो बच्चों के लिए काफी घातक साबित होती है। और वही गेम को देखते देखते कहीं ना कहीं उसे गेम की लत पड़ गई थी, जो एडिक्शन हो चुका था, एडिक्टेड हो चुका था गेम की लत की वजह से। और उसकी माँ जो है उसे गेम को खेलने से हर बार रोकती थी, तो उसने सोचा कि माँ को ही खत्म कर देता हूँ तो खत्म रोकने वाला कोई होगा नहीं, और मैं बेहतर तरीके से गेम भी खेल लूंगा और इसी चीज में गेम को लेकर कोई भी रुकावट नहीं होगी। जी सागर, अगर देखा जाए तो इस मामले में ये भी तथ्य निकल के सामने आ रहा है कि नाबालिग बच्चे ने अपनी माँ का कत्ल लाइसेंसी रिवॉल्वर से किया, तो जब गोली चली तो क्या आस पास के लोगों को इस गोली की आवाज नहीं सुनाई दी? जी आपको बता दूं कि जो लाइसेंसी पिस्टल है वो उसके पिताजी के नाम के हैं, पिताजी उसके सेना में जेसीओ पद पर तैनात हैं, हालांकि वो आसनसोल में तैनात हैं, और जो उसके पिताजी के जो लाइसेंस पिस्टल है वो अलमारी में रखी थी, और अलमारी जो पूरी तरह से अनलॉक था, और कहीं ना कहीं जो आवाज की बात आप कह रही है, आवाज की बात है, तो रात में ही ये घटना घटित हुई है। रात में शनिवार की रात को जब सब सो जाते हैं, तकरीबन वही 12 बजे के बाद की घटना है, जब सब सो गए थे, पूरा आसपास के लोग सो गए थे। और आपको दूसरी बात बता दूं कि जो इलाका है वो काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र नहीं है, काफी शांत इलाका है, उसमें एक जो घर है काफी दूरियों पे बने हैं, तो इस वजह से शायद क्या पता लोगों ने इस चीज पर ध्यान ना दिया हो कि कहीं गोलियां चली हैं या फिर किसी और चीज की अनहोनी घटना हुई है। जी सागर, इस मामले में ये भी निकल के सामने आ रहा है कि नाबालिग ने अपनी माँ के शव को छुपाने के लिए रूम फ्रेशनर्स का भी इस्तेमाल किया था। जी तकरीबन जब सबको उसने छुपाने की कोशिश की, उसके दो दिन बाद की बात है, जब वो काफी दुर्गंध आने लग गई, तो पड़ोसियों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, और वो काफी घबरा चुका था, उसे लगा कि अब तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा, तो उसने कहीं ना कहीं रूम फ्रेशनर की खुशबू जो है पूरे कमरे में महका दी, और कहीं ना कहीं पुलिस जब गई तो उसे पुलिस के साथ पुलिस को शव की बदबू के साथ रूम फ्रेशनर की खुशबू भी मिल रही थी, उसे लगा, बच्चे को लगा कि रूम फ्रेशनर की खुशबू से कहीं ना कहीं बदबू छुप जाएगी और वो इस नाकाम मंसूबे में कामयाब हो सकेगा। लेकिन यूपी पुलिस और लखनऊ पुलिस की इस दागदार छवि को, माफ कीजिएगा, जो यूपी पुलिस की जो बेहतरीन छवि है उसको एक बार फिर से लखनऊ पुलिस ने उभारने की कोशिश की और हत्याकांड का खुलासा बहुत ही बेहतर तरीके से किया। जी सागर, अगर देखा जाए तो इस कांड को जिसने अंजाम दिया वो बच्चा एक नाबालिग बताया जा रहा है, तो पुलिस ने क्या कुछ एक्शन ले लिया उस बच्चे के खिलाफ? देखिए, चूंकि आपको पता है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो 18 वर्ष के नीचे के जो बच्चे होते हैं उन्हें एक बाल सुधार गृह में रखा जाता है, ना कि उन्हें एक जेल में रखा जाता है। वो बाल सुधार गृह होता इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे ने किया काम किया वो नाबालिग तौर पर उसने किया या किसी भी ऐसी चीज को लेकर किया जिससे उसकी मंशा नहीं थी, तो उस वजह से उसे बाल सुधार गृह में रखा गया है। और कल ही बाल सुधार गृह के भी कुछ लोग आए थे उसके घर पे, उन्होंने भी मुआयना किया, फॉरेंसिक टीम लगातार मुआयना करती आ रही है, वहां पर जो भी घटनाक्रम है उसको उसकी जांच कर रही है, और बच्चे को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह अब भेजा जा चुका है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि उसे कितने दिन बाल सुधार गृह में रखा जाएगा और कब तक रखा जाएगा। जी धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना इस वक्त सामने आई है, जहां एक नाबालिग बच्चे ने पबजी के लिए अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया, और तकरीबन दो दिनों तक अपनी मां के शव के साथ बच्चा अपनी छोटी बहन के साथ उसी घर में मौजूद रहा। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।